देख लिया ना आपने। अब आप ही बताइए क्या आप भी ये इस घर में रहने के लायक है? क्या मन्नत ने सुभान के नाम का टैटू बनवाया है? काला जान, दुआ भाभी कुछ तो बोलिए अल्लाह के वास्ते। कहने जैसी कोई बात है ही नहीं फूफी जान। इसके वजह से पहले ही अम्मी सबके सामने शर्मिंदा हो चुकी है और आज फिर से मन्नत की वजह से अम्मी का सर शर्म से झुक गया है। अपनी हद पार मत करो इबादत। हद बोल चुकी थी। हाँ, मैंने किया है सबको शर्मिंदा। हाँ, मैं बहक गई थी, फरहान के साथ भाग गई थी मैं। इसकी सजा भी मुझे मिल चुकी है इबादत। मेरी अम्मी मुझसे बात तक नहीं करती है, नानी अम्मी मेरी इज्जत नहीं करती है, घर में कोई मेरी इज्जत नहीं करता। मैं मानती हूँ कि मैंने गलती की है, पर इस बात के लिए मैं सबसे माफी मांग चुकी हूँ। लेकिन तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं एक बार फिर से माफी मांगती हूँ। माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हुई थी, खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया मैंने। गुंडे फरहान पर दिल आ गया मेरा, भाग गई मैं उसके साथ। लेकिन कभी भी मैंने अपनी इज्जत के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दी। उससे प्यार करती थी मैं, पर कभी भी उसे खुद पे गंदी नजर डालने नहीं दिया मैंने इबादत। तुम चाहती हो कि मैं घर से निकल जाऊं तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन प्लीज मुझ पे इतने गंदे इतने घिनौने इल्जाम मत लगाओ। बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बंद करो अपना ये घटिया नाटक मन्नत, किसी और के सामने करना। मेरे सामने ये नहीं चलेगा मन्नत। मैं अच्छी तरह से जान गई हूँ कि तुम कितनी बड़ी चालबाज हो। मान लो मन्नत कि मेरे शोहर का नाम तुमने अपने सीने पे टैटू करवाया है। मान लो, बोलो सच मन्नत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा और हो भी कौन सकता है बाबा।